देखिए गाइस कितनी शांत सुबह होती है यहाँ पे, बिल्कुल शांत मॉर्निंग। भाई साहब यहाँ ले आओ नीम करोली बाबा लास्ट में कह रहे हैं भाई साहब 3000 रुपए का हमारा पूरा पैकेज था और इसमें जो मुक्तेश्वर भी जाना है भाई साहब, मुक्तेश्वर जाना, मुक्तेश्वर तो रोटी अलग है भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है मेरी बालकनी से बाहर का व्यू, ये देखिए गाइस। आज होली का दिन है ना, तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं गाड़ियाँ। ये भाई मिल गए हैं, एक हमें छोड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि हमें छोड़ रहे हैं वहाँ तक, इतना ही बहुत है हमारे लिए। गाइस ये देखिए खूबसूरत रास्ते, नैनीताल आके ना यहाँ सिर्फ जो देखने की चीज़ें, जो पॉइंट हैं, व्यू हैं वो तो है ही, इनके रास्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पूरा मैं तो देखता ही रहता हूँ खिड़की से। ये देखिए आप नीचे खाई, बिल्कुल खाई, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे हर जगह नैनीताल में। किसी इस तरफ देखिए आप, इतनी 200, 200, 300 फुट खाई है। इनको देख के कभी भी डर लगता है कि अगर कुछ मिसहैपनिंग कुछ ऐसा हो जाता है तो कितने नीचे जाएगी गाड़ी या कोई इंसान। गाड़ी वाले ड्राइवर भैया ने बताया कि मतलब नॉर्मल दिन में मिल जाते हैं, यहाँ से सवारी मिल जाती है कुछ ना कुछ जाने के लिए, लेकिन आज होली का दिन है इसलिए बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। नॉर्मल दिनों में मिल जाती है और शायद आज भी 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये भाई बता रहे हैं। लेकिन मुझे तो अभी जाना है, मैं जाऊँगा अभी। गाइस ये हमें अभी यहाँ से उतारने वाले हैं और इसके आगे बता रहे हैं कि कोई लिफ्ट में दे देता है तो ठीक है, वरना आपको पैदल जाना पड़ेगा। आगे ये नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। भाई ऐसे व्यू ना जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं है, सुनसान है, आपको सिक्किम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में बहुत मिलेगा और यहाँ भी मिल रहा है। ये देखिए आप, दूर दूर तक कोई भी नहीं। ये पहाड़ों के ऊपर घर, रेस्टोरेंट ये सब बने हुए हैं। ये देखिए पीछे खाई, रोड के दोनों तरफ यहाँ खाई होती है। और यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं ना वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं यहाँ गाड़ी चलाने में, वरना आसान नहीं है यहाँ गाड़ी चला पाना। ये देखिए पहाड़ों के बीच में घर। अभी वही करेंगे ना क्या। ये देखिए पहाड़ों के ऊपर पेड़ है, पहाड़ों के बीच में रास्ता ही है ये सब। ओए होए क्या एडवेंचर है, मज़ा आ गया। भाई लिफ्ट मांग मांग के जाना पड़ेगा शायद। मुझे लग रहा है यहाँ से 3-4 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा अगर लिफ्ट नहीं मिली तो। गाइस लेकिन पैदल चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना। ये आसपास का व्यू देख रहे हो ना आप, ये पेड़ पौधे, ये घर जो ये होटल रिसोर्ट बने हुए हैं यार, क्या अमेजिंग है। भाई ये सब देख रहे हो ना, ये सब पर्सनल गाड़ियाँ हैं, ये कोई कैब नहीं है, कोई कुछ ऐसे मिल नहीं रही है। क्योंकि होली है, शायद 2-3 बजे के बाद कुछ मिलना स्टार्ट हो जाए। बैठाया क्या इधर? आगे चलिए ना कुछ दूर निकल के। ये दोनों भाई भी हमारे साथ साथ ही जाएंगे, ये दोनों भाई, इनको भी नीम करौली धाम जाना है। तो हम अब 3 लोग हो गए हैं पैदल चलने वाले। ये व्यू देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है जो पेड़ पौधे हैं ना बिल्कुल आसमान से टच हो रखे हैं। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ पहाड़, पेड़ पौधे और यह लंबी गहरी खाई। क्या व्यू है यार, मतलब बहुत ही अच्छा किया मैंने आ गया यार, बहुत अच्छा किया। अब ऐसे डिसीजंस और लूँगा। तो आपने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी है? नहीं, छोड़ दी है। छोड़ दी? अच्छा करते थे। अच्छा अच्छा, तो अब क्या ज़्यादा ही हो गई है, अब भागा दौड़ी नहीं हो पाती है। वो तो है, सुबह 4 बजे भी जाना होता है। हाँ हाँ, 8-10 किलोमीटर काफी, पहाड़ का एरिया, 10 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैदल तो जरूर चलना पड़ता होगा आपको यहाँ। हर जगह रोड साइड नहीं होती ना। हाँ, तो इसमें नहीं हो पाता। लेकिन आप लोगों के घर भाई यहाँ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपके आप लोग के जो घर है यहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुल लगे, और एरिया तो ब्यूटीफुल है ही। अभी ये तो रोड साइड, रोड हेड वाले हैं। हाँ, अगर जब आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाओगे, हाँ, और सुंदर घर मिलेंगे यहाँ से भी ज्यादा। वाह, पहाड़ी कल्चर, पुराने कल्चर के। अच्छा अच्छा, अभी सर्च मारना कुमाऊनी उसमें ना, कौन सी जगह आपने बताई? मतलब उत्तराखंड के उस घरों के बारे में सर्च मारना, इसमें गूगल में आपको दिखा देगा किस टाइप के घर होते हैं। की बाइक की लिफ्ट मिल गई, अब आगे और चलना है करीब 1.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर की लिफ्ट मिलने के बाद 1.5 किलोमीटर और चलना है, बस 1.5 किलोमीटर और। हल्की आंच मैगी पॉइंट, यहाँ पर कभी मैगी की दुकान हुआ करती होगी शायद। ये व्यू, ये है गाइस नीम करौली धाम, ये है नीम करौली बाबा का मंदिर। ये देखिए नीचे आप लोग दिख रहे हैं आपको, लेकिन मुझे अभी यहाँ से ऐसे घूम के पूरा वहाँ से होते हुए ऐसे जाना है, फिर यहाँ से फिर उस मंदिर में जाना है। और ये व्यू देखिए बाबा के यहाँ पे, चलते गए, शायद आरती होने वाली है वहाँ पे। गैस ये नीम करौली बाबा का टेम्पल जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच में बस ये जो घर और रिसोर्ट ये होटल देख रहे हैं ना, बस यही है आसपास। और ये बीच में छोटा सा देखिए दिख रहा है नीम करौली बाबा का मंदिर। ये देखिए गाइस झरने का पानी, ये साइड का भी आएगा क्या? अच्छा नहीं आएगा, ये साइड का नहीं आएगा। गैस इस टेम्पल के अंदर ना सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना सभी बाहर हो रही है। और ये देखिए एक मंकी भी है यहाँ। और इस सारी अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी नहीं अलाउ है। ये गेट दिख रहा है आपको, इस गेट के बाहर ही कर सकते हो आप, अंदर करना बिल्कुल अलाउ नहीं। कोई ना कोई आपको टोक देगा, स्पेशली जो मंदिर की देखभाल कर रहे हैं वो लोग, वो ज़रूर टोकेंगे आपको। यहाँ पे ना थोड़ी सख्ती है वीडियोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं बैठ के। आप वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगने वाला है, तो मत करना आप। भाई साहब खाली मुक्तेश्वर वाला एक दिन का टूर होता, वो भी 3000 रुपए लगते हैं। मैं कहा वो मुक्तेश्वर का होता। मैंने अब आपको ये पॉइंट घुमाए, मैंने घुमाने के बाद में घंटे बचे हम नैनीताल में, आप घूमिए उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ। बोले नहीं हमें तो मुक्तेश्वर ही जाना था, है ना? तो मैंने कहा भाई साहब आपने उस टाइम तो मुक्तेश्वर की तो बात ही नहीं हुई थी, अब आपने किसी से कोई। सो गाइस ये थी मेरी नीम करौली धाम की वीडियो। आई नो आपको अच्छी लगी होगी, नॉट होप मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। ये मेरी बेस्ट वीडियो थी अभी तक जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं वहाँ पे लिफ्ट मांग मांग के आगे बढ़ रहा था। करीब 6 किलोमीटर दूर वहाँ से मुझे बस ने उतार दिया और आगे कुछ भी मतलब व्हीकल मिल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ होली। और वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन होली के रीज़न से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। लिफ्ट मांग मांग के मैं कुछ दूर तक पहुँचा, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 2.5 से 3 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा। और इन 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से ही मुझे अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। सोचो आप अकेले चल रहे हो, आपके आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, झरने की आवाज़, पानी की आवाज़ें, चिड़ियों की, कोयल की आवाज़ें, और चारों तरफ दूर दूर घर, बहुत दूर दूर घर दिखाई देते हैं पहाड़ों के ऊपर, और सिर्फ पेड़ पौधे, लगातार ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी। और 3 किलोमीटर पैदल चलते 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 लिफ्ट मांग के बीच में कोई थोड़े आगे तक छोड़ रहा है, और वो भी बहुत कम लोग मिल रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और नीम करौली बाबा की बात करूं तो उनके बारे में क्या ही बोलूं, कितनी महान आत्मा थे, कितने बड़े संत थे, कुछ कोई उनके बारे में क्या ही कह सकता है। आप जाओगे जब इस टेम्पल, इस मंदिर के अंदर आप पहुँचोगे ना, तो आप देखोगे पहाड़ों के बीच में, बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्पल नहीं है, लेकिन लोग पूरी दुनिया से, सिर्फ भारत से नहीं पूरी दुनिया से वहाँ आते हैं। अब आप समझ सकते हो कि जब पूरी दुनिया से लोग इतनी मुश्किलें पार करते हुए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो कितने पहुँचे हुए संत थे नीम करौली बाबा, सब समझते हैं, जानते हैं। वो किसी कोई कहे उन्हें बहुत बड़े संत थे तो उससे कोई उनके परिभाषित नहीं होते हैं वो। सो गाइस मुझे सपोर्ट करते रहो, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।